हेलो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसके लिए मेरे साथ मेरे एक कस्टमर हैं जो कि मेरे हेड ऑफिस में आए हुए हैं। तो मोस्टली मैंने ये वीडियो प्लान इसलिए किया हुआ है क्योंकि मोस्टली जब मेरे पास कस्टमर्स आते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे कौन सा कार वॉशर लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी। तो आज मेरे साथ मेरे लाइव कस्टमर हैं जो मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो इन्हीं के बिहाफ पे मैं सारे जो वो क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करूंगा जो कि एक कस्टमर के माइंड में होते हैं। हेलो, तो मेरा नाम अमित तिवारी है और मैं मैन मशीन के हेड ऑफिस में आया हूँ क्योंकि मैं एक कार वॉशिंग सेंटर ओपन करने का प्लान कर रहा हूँ और मैंने दिल्ली NCR पूरा छान दिया। अब मार्केट में जाने के बाद मेरे माइंड में कई सारे सवाल हैं क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि 20,000 का कार वॉशर लो वो अच्छा है, कोई कहता है 60,000 का लो वो ज़्यादा अच्छा है। अब इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं मैन मशीन के हेड ऑफिस में आया हूँ जहाँ सिद्धार्थ जी से जानेंगे मैन मशीन कार वॉशर के बारे में कुछ डिटेल्स। हेलो सर, वेलकम टू मैन मशीन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कस्टमर के पहले क्वेश्चन के साथ में। बताएं सर, अपना पहला क्वेश्चन बताइए सर, क्या कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न ये मेरे पास में कि मशीन के टाइप या कुछ, मेरे को बहुत नॉलेज तो नहीं है, बट पहले आप इंट्रोड्यूस कराइए कैसे क्या कर सकते हैं उसमें। कोई बात नहीं सर, आप मैन मशीन आए हैं तो आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर सकूं। ओके, तो सर आप, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, आपके पास पावर सप्लाई कौन सी है? पावर सप्लाई में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों अवेलेबल। अच्छा सर, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है कि आपके पास दोनों पावर सप्लाई के ऑप्शंस हैं। सर सेकंडली मैं पूछना चाहता हूँ आपके पास, आप क्या फुटफॉल, एक नया वर्कशॉप ओपन करने जा रहे हैं तो लगभग कितना फुटफॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाड़ियों का अपने पास? अभी स्टार्टिंग में तो अप्रॉक्स 20-25 गाड़ियों का। सर वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट कि स्टार्टिंग में कस्टमर के पास इतना अच्छा फुटफॉल है 20-25 कार्स का, है ना। तो आज ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि 20 से 25 गाड़ियों के लिए सबसे अच्छा कार वॉशर आपके लिए कौन सा रहेगा। तो सर आपने मेरे साथ जो क्वेश्चन किया था ना कि 20-25 कार्स पर डे आपका फुटफॉल है, तो सर ये मैं तो रिकमेंड करूँगा, ये तो बहुत अच्छा फुटफॉल है सर आपके स्टूडियो में, है ना। क्योंकि जनरली जब मैं कस्टमर्स के पास विजिट करता हूँ या कस्टमर मेरे पास आप प्लान करके आते हैं तो वो जनरली वो मुझे बोलते हैं सर मैं स्टार्टिंग में 15-20 गाड़ियों का फुटफॉल एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, बट सर आप 20-25 कार्स का फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सर मैं तो देखिए आपको बोलूँगा कि आप हाई एंड मशीन लीजिए। बट स्टिल मेरे, मैं आपको जो सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो मेरे पास मशीन है HRC Pro, ठीक है, 12.13 ET। सर ये थ्री फेज हैवी ड्यूटी मशीन्स हैं जिससे लगभग आप 20 कार्स पर डे बड़ी ईजिली वॉश कर सकते हैं, ठीक है सर। प्लस माइनस अगर 2-3 गाड़ियाँ होती तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन के ऊपर। तो ये जो मशीन मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 स्टैंडर्ड एसेसरीज के साथ में आती है, जिसमें स्टार्ट करते हैं ये 10 माइक्रोन्स फिल्टर से, उसके बाद ये आपका 100 माइक्रोन्स फिल्टर आता है, उसके बाद इसके साथ आपको 10 मीटर की स्टैंडर्ड होज मिलेगी, उसके बाद मशीन के साथ आपको गन मिलेगी विद क्विक कनेक्ट सिस्टम। सर देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि मैन मशीन प्रोवाइड करती है, इसमें कोई भी एसेसरीज कनेक्ट डिसकनेक्ट करते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। फिर उसके बाद आपको ये गन मिलती है, क्विक कनेक्ट सिस्टम, देन 500 mm माउंटेड लांस और इसके टिप पे नोजल। तो ये 6 स्टैंडर्ड एसेसरीज हैं जो कि मशीन के साथ में स्टैंडर्ड आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सर आई गेस मैंने आपके पहले क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया होगा कि फॉर 20-25 कार्स ये आपके लिए जो हमारी HRC Pro 12.13 ET मशीन है ये बेस्ट मशीन है आपके लिए, है ना। सर दूसरा सवाल सर करिए। एक्चुअली सवाल ये था कि मैंने भी अपने मार्केट में देखा था तो AR के और भी मुझे मॉडल मिले थे आपके अलावा भी, मेरे को AR के प्रोडक्ट मिल रहे हैं मुझे। अच्छा अच्छा, बट जो अगर मैं कंपेयर करूँ कॉस्ट वगैरह से तो कम है, तो इसका क्या रीज़न बताएं? सर देखिए हम बात करते हैं, जैसा आपने मेरे से बहुत अच्छा सवाल किया है, मार्केट में और भी लोग हैं जो कि AR की मशीन सेल करते हैं, बट बेसिकली आपको पता है इंडिया फेमस है जुगाड़ के लिए, तो इंडिया में जो अदर लोग सेल कर रहे हैं AR की मशीन वो बेसिकली जुगाड़ है। अब जुगाड़ कैसे है मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैन इंडिया जो मैं AR NOV रेवरबरी को सेल करने के लिए जो ऑथराइज कंपनी है वो मैन मशीन ही है जो कि पैन इंडिया ऑथराइज्ड है AR को सेल करने के लिए। उसके बाद सर बाकी के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि उन्होंने पंप लिया आपका इंडियन पंप लिया AR का और मोटर लेते हैं वो क्रॉम्पटन या मैराथन की और इंडिया के अंदर उसको असेंबल करके और सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर। उसमें क्या होती है कई बार वो आपको लोकल एसेसरीज के साथ में मशीन्स दे देते हैं, जिसके साथ आपको कई बार हो सकता है 10 माइक्रोन फिल्टर मिसिंग कर देंगे या आपको ये 100 माइक्रोन फिल्टर की जगह पे वो आपको स्टनर लगा के दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको लोकल एसेसरीज के साथ में आपको मशीन्स दे देंगे, तो बेसिकली ये एक मेजर डिफरेंस है हमारी मशीन्स और जो लोकल AR का जो मशीन्स बेचते हैं उनमें।
ठीक है। सेकंडली एक चीज और है कि हमारी जो मशीन आपके पास आएगी वो सील पैक आएगी, आपको ओपनली कुछ भी नहीं मिलेगा कि मैं आपको कोई एक्सेसरीज बाहर से निकाल के दे रहा हूँ या फिल्टर अलग से दे रहा हूँ, आपको सारी की सारी मशीन सील पैक आएगी। जैसे आपको एक मोबाइल फोन रिसीव होता है सील पैक कंडीशन में, उसी कंडीशन में आपको मशीन मिलेगी सील पैक कंडीशन में। ठीक है सर, देखिए आपने मेरे से तीसरा सवाल किया वारंटी को लेके, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ वारंटी के लिए हमारी जो वारंटी रहती है सर वो वारंटी कार्ड के ऊपर रहती है। ठीक है सर, बाकी के आप मेरे किसी भी कंप्यूटर को देखेंगे वो आपको अपनी मशीन के साथ में वारंटी कार्ड नहीं देंगे, बट मैं जो आपको मशीन दे देता हूँ उसके साथ में वारंटी कार्ड आपको आता है जो कि आपको बताता है कि ये वर्बल वारंटी नहीं, आपके पास वारंटी का प्रूफ है, इनवॉइसिंग है आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस जो वारंटी कार्ड हम लोग देते हैं उसके साथ में भी आपको चार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देते हैं। ठीक है, मेरा सर्विस इंजीनियर साल में क्वार्टरली आपके पास चार बार आएगा, मशीन को थॉरली चेक करेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई वारंटी से रिलेटेड बात कि ए वन ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी है और जिसके साथ में चार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस विजिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की साइड से दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर मैं आपसे मशीन अगर इनके साथ परचेज करता हूँ तो मेजरली इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सर मैं रियली सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूँगा कि जो आपने क्वेश्चंस मेरे से कर रहे हो, जनरली कस्टमर्स के भी यही क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहता हूँ मशीन के बारे में। सर देखिए, मशीन में अगर आप बात करेंगे तो वन ईयर की तो स्टैंडर्ड वारंटी है ही मशीन के साथ में। अगर आपने जैसे आप कार ओन करते हैं या टू व्हीलर ओन करते हैं उसकी भी सर्विस के लिए आप जाते हैं तो वो आपसे जो मशीन की जो उसका ऑयल चेंज करता है उसका भी कॉस्ट वो आपसे चार्ज करता है, प्लस जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जैसे कि कुछ रबर के पार्ट्स होते हैं, है ना, वो जैसे आपके फिल्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इन ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, अगर ये ख़राब होते हैं वारंटी के अंदर तो सर ये चार्जेबल होते हैं, जैसे आपने अपनी कार या टू व्हीलर की सर्विस कराते हो वहाँ पे चार्जेबल होते हैं ठीक उसी तरीके से। ठीक है, बाकी सर देखिए मैं बात करना चाहता हूँ मशीन की वारंटी की, अगर आप बात करें तो सर देखिए मशीन में मेजर फॉल्ट कब और कैसे आता है हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले, है ना। सर देखिए मशीन क्या है कि मशीन आपको पता है इटालियन मशीन है, ब्रांडेड मशीन है, तो मशीन के अंदर फॉल्ट्स आते हैं हमारे यूज़ करने के ऊपर, क्योंकि मशीन आप परचेज़ कर रहे हो बट सर यूज़र आप नहीं होगे, आपका ऑपरेटर मशीन यूज़ करेगा, बट सर मेन मशीन से अगर आप मशीन ले रहे हो तो सबसे अच्छा आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि जब भी हमारा इंजीनियर आपके पास साइट में मशीन इंस्टॉल करने के लिए आएगा तो वो आपको मशीन की पूरी थॉरली एप्लीकेशन ट्रेनिंग देगा, जिसमें वो आपको मशीन ऑपरेट करके दिखाएगा कि मशीन को यूज़ कैसे करना है, आपको गाड़ी किस तरीके से वॉश करनी है, सेकंडली वो आपको बताएगा कि आपको मशीन का मेंटेनेंस कैसे करना है। जैसे ये जो आपका 10 माइक्रोन्स फिल्टर है इसको वीकली एक बार क्लीन करना होता है, बस सर सिंपल है बहुत, इसको साफ़ करना है, इसको खोलिए, इसके ऊपर अंदर एक मैश है वो साफ़ करके दोबारा से लगा दीजिए। सेकंडली ये आपका 100 माइक्रोन्स फिल्टर है, इसी तरीके से आपको इस फिल्टर को ओपन करना है, इसके अंदर एक मैश है उसको पानी से साफ़ करके ये लगा देना है। तो पहला मेंटेनेंस तो आपका ये हो गया कि आपको फिल्टर्स क्लीन रखने हैं, क्योंकि मशीन की लाइफ डिपेंड करेगी कि मशीन के अंदर किस क्वांटिटी में पानी जा रहा है, क्योंकि मशीन को जो पानी जाना चाहिए वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पिस्टन्स हैं, उसके ऊपर रबर के पार्ट्स हैं, है ना, जब पिस्टन का मूवमेंट होगा वो रबर के पार्ट्स हीट अप होंगे, अगर पानी के नहीं होगा, पानी की एब्सेंस है वो हीट अप होंगे, तो वो धीरे 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 आपका ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मशीन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है पानी की क्वांटिटी, और सेकंड चीज़ आती है पानी की क्वालिटी। तो पानी की क्वालिटी के लिए हम लोग ऑलरेडी मशीन के साथ में दो स्टैंडर्ड फिल्टर दे रहे हैं जिसको आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे क्लीन करना है ताकि मशीन के अंदर एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर जाता रहे, एक क्वालिटी वाटर जाता रहे, ताकि मशीन की लाइफ ऑटोमेटिकली एनहेंस होती रहे। ठीक है सर, इसके बाद देखिए और जो मेजर चीज़ डिपेंड करती है वो है पावर सप्लाई। अब कई बार कस्टमर क्या करते हैं कि मशीन को डायरेक्टली MCB से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वहाँ पे स्टार्टर नहीं लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक भी फेस मिसिंग होता है। अब क्या MCB ट्रिप नहीं मारेगी जब भी कोई फेस मिसिंग होगा और मोटर के पास सप्लाई जाएगी, अब मोटर ट्राई करेगी स्टार्ट होने के लिए, मशीन स्टार्ट ट्राई करेगी स्टार्ट होने के लिए, बट वो स्टार्ट नहीं होगी ड्यू टू एक फेस मिसिंग होने की वजह से, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि मोटर आपकी बर्न आउट हो जाए। तो सर हम रिकमेंड करते हैं कि मोटर के साथ में आपको एक स्टार्टर और MCB दोनों साथ में लगाना चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज़ जो मेन मशीन बोलती है कि आपको जो टैंक से मशीन तक जो पानी की सप्लाई है वो डायरेक्ट होनी चाहिए और आधा इंची नहीं, वो आपका एक इंची की पाइपलाइन होनी चाहिए, ताकि ऊपर से जो एक प्रॉपर प्रेशर के साथ में पानी आए और मशीन तक एक प्रॉपर जो मशीन को पानी चाहिए उस अमाउंट में पानी जाए मशीन के अंदर।
ठीक है। तो सर ये तीन चार जो पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर कस्टमर उस पर ध्यान दे लेता है तो मशीन की लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मेरे से मिस हो गया, कई बार क्या होता है हमारे टैंक का पानी ख़त्म हो जाता है। कस्टमर क्या करता है, मशीन को ऑन करके छोड़ता है, गन में से पानी नहीं आ रहा होता है। अब क्या टैंक खाली हो गया, कस्टमर ने ये गन का ट्रिगर दबाया हुआ है, मशीन के कंटिन्यूस चल रही है, अंदर पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है। तो जब पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पर रबर के पार्ट्स भी हैं। अब जब पिस्टन का ड्राई मूवमेंट होगा तो रबर के पार्ट्स क्या होंगे, गर्म होंगे, और गर्म होकर धीरे 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 वो आपका ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी भी अगर आपके टैंक के अंदर पानी ख़त्म हो रहा है तो आपको ट्रिगर प्रेस नहीं करना, आपको 5 से 6 मिनट का वेट करना है टैंक को फिल होने के लिए, ताकि मशीन के अंदर ड्राई मूवमेंट ना हो। इसी तरीके से जब आप मशीन को ऑन करते हो तो ऑन करने से पहले आपको वाटर सप्लाई ऑन करनी है, ना कि आपको डायरेक्ट मशीन ऑन करनी है। अगर आप डायरेक्ट मशीन ऑन करेंगे पानी के एब्सेंस में, अगेन वही होगा, पिस्टन का मूवमेंट होगा, पानी की सप्लाई नहीं होगी, रबर के पार्ट्स हीट अप होंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स बताए, अगर आप इनको ध्यान में रख के मशीन का यूज़ करते हैं तो सर मैं नहीं समझता कि आपको 2-3 साल तक मशीन के अंदर कोई खराबी, मेजर जो खराबियाँ आती हैं वो नहीं, वो आएंगी। अच्छा सर आप इसकी बात कर रहे हैं, देखिए सर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर देखिए आज के मॉडर्न एरा में क्या है, कार वॉशिंग सेंटर जब आप ओपन करते हैं तो सर कार वॉशर के लिए एक प्रॉब्लम आती है, जब वो गाड़ी वॉश कर रहा होता है ना तो ये जो होज है ये गाड़ी के टायरों में फंस रही होती है, या वरना जो ऑपरेटर है जब गाड़ी वॉश करता है ना तो आधे से ज़्यादा ध्यान तो सर उसका इसी होज पे लगा रहता है, वो इसी को सेटल करने में टाइम निकाल देता है। क्योंकि ये क्या होज क्या है, या तो टायरों में फंस रही होती है या उसके खुद के पैरों में फंस जाती है और वो गिर जाता है। और हाई प्रेशर होने, होज़ होने की वजह से कई बार इसके अंदर हैवी वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशंस होने की वजह से होज़ पंचर भी कई बार होने के चांसेस होते हैं। तो सर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज के मॉडर्न एरा के अंदर हम लोग ये बूम टेक्नोलॉजी मैन मशीन ने इंट्रोड्यूस की हुई है। सर देखिए ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जब हम गाड़ी वॉश करते हैं तो ये जो जब गाड़ी वॉश करते हैं तो ये जो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो ये होज़ है ये टायरों के अंदर नहीं फंसता है। दूसरी चीज़ जब ऑपरेटर वॉश करता है गाड़ी तो ये उसका फोकस जो है वो कार वॉशिंग के ऊपर होता है, ना कि इस होज के ऊपर। तो टोटली क्या है, उसका टाइम सेव होता है इस सारी चीज़ों से, और उसका जो फोकस है वो टोटली कार वॉशिंग के ऊपर रहता है, ना कि होज के ऊपर। तो ये बूम एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि मैन मशीन ने इंट्रोड्यूस की है कार वॉशिंग करने के लिए। सर बताएं, आई होप मैंने अभी तक आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से क्लियर किया होगा, है ना, आपके सारे क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर किए होंगे। सर अपना अगला सवाल बताएं। सर सर एक क्वेश्चन बस लास्ट था मेरा, जो अभी मार्केट में देखता हूँ बेल्ट लगा हुआ, मोटर लगा हुआ, कुछ स्टैक की मशीन आती है, बहुत सस्ती भी होती है, और मतलब देखा हूँ फ्रिक्वेंटली हर जगह पे एवरेज वही दिखती है मुझे मशीन। अच्छा उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सर आपने अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है। सर अगर बात करूँ, जो आप बात कर रहे हैं सर वो बेसिकली बात कर रहे हैं पुली ड्राइव मशीन्स की, है ना, जो कि एक पुली के थ्रू ड्राइव होती हैं। अगर मैं बात करूँ तो सर वो काफ़ी पुराना टाइम हो गया जब लोग उस तरीके की मशीन्स यूज़ करते थे। अगर पहले हम लोग देखते थे तो उसमें क्या है सर, कस्टमर को पता ही नहीं है कितना पानी यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसके लिए वो अंडरग्राउंड टैंक बनाते थे जिसमें से वो कंटिन्यूस मोटर चलती रहती थी और वो उसको यूज़ करते रहते थे, और ना ही उसमें कोई ट्रिगर सिस्टम था, है ना, कि वो उन्होंने ट्रिगर छोड़ा और आपका पानी निकलना बंद हो गया, है ना। तो उसमें आप मान के चलो सर सबसे पहली चीज़ उसकी अगर आप फ्लो रेट देखेंगे तो उस मशीन की जो फ्लो रेट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 लीटर से स्टार्ट होकर 25 लीटर पर मिनट तक जाती है। सर जो मशीन मैंने आपको सजेस्ट की है इसकी जो फ्लो रेट है वो 12 लीटर पर मिनट की इसकी फ्लो रेट है, ठीक है। तो सर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप 10 मिनट भी लेते हो एक गाड़ी को वॉश करने में तो आपकी मशीन से लगेगा ऑलमोस्ट 80-90 लीटर्स ऑफ वाटर, और अगर आप उसी मशीन से गाड़ी वॉश करते हो क्योंकि तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 200-250 लीटर्स ऑफ पानी कंज्यूम हो जाता है उस मशीन के अंदर, क्योंकि ना ही उसमें ट्रिगर सिस्टम है। आपकी ने जो मैं आपको मशीन दे रहा हूँ इसमें तो आपका ट्रिगर सिस्टम है कि आपने ट्रिगर छोड़ा आपका पानी निकलना बंद हो गया, जितने टाइम में आप फोमिंग कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर या रिंसिंग कर रहे हैं तो उस पीरियड में आपका सपोज जो टाइम है वो सेव होता है, प्लस आपका जो वाटर कंजप्शन है वो सेव होता है। बट उस मशीन में इस तरीके का कोई एप्लीकेशन नहीं होती, प्लस उनका फ्लो रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है उन मशीन्स का, है ना, और पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा रहती है उन मशीन्स के अंदर। और उसमें और अगर हम बात करें कि जैसे ये आपकी जो मशीन है ये क्विक कनेक्ट सिस्टम के साथ में आती है जिसमें आप बड़े आसानी से फोम बॉटल कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखेंगे ये मैंने यहाँ से लांस हटाया और इसमें ये फोम बॉटल कनेक्ट कर सकता हूँ बड़े ईजिली। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट की फोम बॉटल कनेक्ट हो गई और मैं पूरी गाड़ी में फोमिंग कर सकता हूँ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ये फीचर्स आपको उन पुली ड्राइव मशीन में नहीं मिलेगा। पानी का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, प्लस आप उसमें अंडर बॉडी क्लीन नहीं कर सकते गाड़ी की।
इसमें क्या है, ये हमारा अंडर बॉडी लांस आता है, सेम अंडर बॉडी लांस इसमें कनेक्ट हो जाता है और आप गाड़ी की अंडर बॉडी क्लीन कर सकते हैं विथ सेम मशीन के साथ में। तो मोटा मोटा इस मशीन का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ओवरऑल आप लिफ्ट की कॉस्टिंग बचा देते हैं, है ना। तो लिफ्ट का आप मान के चलिए 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम आप लिफ्ट में सेव कर देते हैं, प्लस आप फोम टैंक या एयर कंप्रेसर वगैरह खरीदते हैं उसकी कॉस्टिंग सेव हो जाती है। तो सर वो मशीन तो बहुत पुरानी हो गई, और दूसरी चीज़ अगर कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे तो जो सारी चीज़ें आपको इस मशीन के अंदर मिल रही हैं उतनी सारी चीज़ें अगर आप उस मशीन में लेके लोगे तो ऑलमोस्ट आपको वही सेटअप पूरा 2 से 2.5 लाख रुपए का पड़ जाएगा, जिसमें आपकी लिफ्ट इंक्लूड नहीं है। तो आप सोच के देखो सर, इतना पैसा भी आपने खर्च किया और आपको वो सारी सर्विसेज नहीं मिली जो आपको एक सिंगल मशीन डिलीवर कर रही है। सर आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज क्लियर कर दिए होंगे हाई प्रेशर वॉशर को लेके, है ना। और आई होप कि आपको कार वॉशर भी हमारा काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। तो सर चलते हैं अंदर बैठ के बात कर लेते हैं, है ना, फाइनलाइज करते हैं इसको। सर बाकी मैं, मेरे और जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है रिलेटेड टू कार वॉशर्स, आप हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके सारे क्वेरीज, सारे जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं उन सबको मैं आंसर कर पाऊँ। थैंक यू।